हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के ब्राजीलियन स्ट्राइकर क्लेटन सिल्वा के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने पिछले दो सीजन से ये सीजन का टीम काफी ज्यादा बेहतर बनाया था, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल इंडियन सुपर लीग सीजन 9 के टॉप 6 से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं ईस्ट बंगाल एफसी। काफी ज्यादा मुश्किल है ईस्ट बंगाल एफसी जो टॉप 6 में क्वालिफाई करे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है ईस्ट बंगाल एफसी के कलर्स में। पहले तो नौरम मैसिंग और दूसरा ब्राजीलियन स्ट्राइकर क्लेटन सिल्वा। तो दोस्तों, खबर यह आ रहा है कि क्लेटन सिल्वा का कॉन्ट्रैक्ट ये सीजन खत्म होने के बाद ही खत्म हो जाता है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल का जो अपडेट है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के तरफ से कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने एक साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दिया है क्लेटन सिल्वा को। तो दोस्तों, अब समय ही बताएगा क्या क्लेटन सिल्वा ईस्ट बंगाल एफसी में ही रुकना चाहते हैं या फिर किसी और क्लब में खेलेंगे। लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के तरफ से एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर गया है क्लेटन सिल्वा के पास। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या क्लेटन सिल्वा फिर से अगले सीजन ईस्ट बंगाल एफसी के कलर्स में हम सभी को दिखेंगे या फिर नहीं? आप अपना राय जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।